दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल समीरन ब्लॉग में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हो? तो एक्चुअली जब शूट होता है तो ये बहुत स्लो बोलती है और मतलब इनके मुंह से आवाज़ नहीं निकलती है। बाकी रियल में जब लड़ाई होती है तो वो ज़्यादा बोलती है, तो इसलिए मैं निकल जाता हूँ घर से बाहर, भाई तू ही बोल ले। तो सिमी और अफ़ान तरु को सबको मैं समुंदर लेकर गया था घुमाने के लिए, मतलब नहलाने के लिए, क्योंकि अफ़ान को हो गई थी घमोरिया और तरु को भी घमोरिया हो गई थी, सिमी को घमोरिया हो गई थी, मुझे घमोरिया नहीं होती है। मेरे को दिमाग में आया कि मतलब डॉक्टर के जाने के पास से ये बेटर कि इनको समुंदर नहलाने लेके जाता हूँ, घमोरिया भी मर जाएंगी। तो देखिए इसकी गर्दन पर पूरी घमोरिया दी अफ़ान की, सब अभी एक ही रात में मतलब सब फिनिश हो गया, तो अभी कुछ भी नहीं है। तो अब मैं जा रहा हूँ काम पे दोस्तों, टैक्सी पे, मतलब अपनी टैक्सी चलाऊँगा जा करके। और अफ़ान है, घमोरिया है आपको? बताओ अफ़ान। एक एक घमोरिया नहीं है अभी गर्दन पे, इसके सब घमोरिया फिनिश हो गई। तो ओके दोस्तों, अफ़ान ओके, बाय बाय, चलता हूँ मैं काम पे, बाय तरु, बाय, अल्लाह हाफिज़। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं गाड़ी के पास, टैक्सी के पास। सैटरडे नाइट में जो मैंने गाड़ी खड़ी किया था वो कचरे के बिल्कुल बाजू में खड़ी किया था, तो पता नहीं कौवे कितना ऊपर से पोटी किए होंगे, गाड़ी होगी पूरी गंदी। अगर नहीं हो सका तो फिर गाड़ी धुलते हैं चल के, उसके बाद निकालेंगे। तो पहले गाड़ी तक पहुंचते हैं, देखते हैं उसका हाल क्या है। जैसे कि मैंने रात में जैसे खड़ी करके गया था गाड़ी, वैसी गाड़ी है, तो मुझे धुलना नहीं पड़ेगा, मैं ऊपर से कपड़ा मार दूंगा गाड़ी पे, साफ़ हो जाएगी। दोस्तों गर्म इतना हो रहा है कि मतलब पूछो मत। और अभी मैंने गाड़ी तो धुला नहीं है क्योंकि मैंने बस कपड़े मार दिया ऊपर से, तो जो धूल थी वो साफ़ हो गई, धूल मिट्टी। और बुकिंग तो आ गई है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं, बुकिंग उठाते हैं चल के। दोस्तों अभी मैं हूँ हाई कोर्ट के पास और यहाँ पे मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि अभी दोपहर में 12:30 बजा हुआ है। तो देख लीजिए, ये इधर हाई कोर्ट है और ये अपना, इधर चले जाइए तो आप गेट ऑफ इंडिया पहुँच जाएंगे। तो यहाँ से देखिए, ये आप लोगों ने देखा होगा फिल्मों में, जो कि बहुत सारी फिल्मों में, और ये जो टाइमिंग है दिखा रहा है ना, वहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ मैं। ये दोस्तों टाइमिंग दिखा रहा है 12:50, मतलब 1 बजने वाला है अभी। इसका जो टाइमिंग है ना, एकदम परफेक्ट इसका टाइमिंग चलता है। ये जितने मुंबई में यही है, मतलब जहाँ जहाँ देखेंगे ये घड़ी लगा हुआ है, तो परफेक्ट टाइमिंग है दोस्तों। ये अभी 12:50 हुआ है, तो गाड़ी अपनी यहाँ पर लगाया हूँ, देखिए इधर। वीडियो अपलोड होने के बाद में फिर निकलता हूँ मैं, और गर्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। 7 तारीख से बारिश भी स्टार्ट हो जाएगी मुंबई में। दोस्तों अभी 3 बजा हुआ है और मैं लंच आज घर से नहीं लाया था, तो तरु जी मतलब कैसा हुआ था कि घर में बोली कि मतलब लेट हो रहा है तो आप ऐसे ही चले जाओ, बाहर खाना खा लेना। तो मैं यहाँ पे अभी लंच करने जा रहा हूँ, तो मुंबई की राइस प्लेट दिखाते हैं खाने में क्या क्या है, और चलते हैं फिर होटल के पास पहले। और यहाँ पे होटल बल्कि नहीं, मैं रोड पे खाना खाऊंगा, और रोड पे खाना जो आता है वो घर का ही रहता है बना हुआ। तो चलिए देखते हैं चल के पहले खाना, और खाते ही चल के। दोस्तों ये है वेज पुलाव, जो कि दही है, कचुम्बर और वेज पुलाव, तो यही है लंच में, यही खा लेते हैं। उत्ता सा पुलाव 70 रुपीज़ का, मतलब और 70 रुपीज़ के हिसाब से पुलाव की क्वांटिटी जो है कम थी। और यहाँ पे बहुत लोग होते हैं, मतलब क्वांटिटी कम होती पैसा ज़्यादा होता है, क्योंकि 70 रुपीज़ में मतलब बंदे का पेट भर जाना चाहिए ऐसा। और भी बहुत लोग थे लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं, वैसे मैं मुंह पे बोल देता हूँ सामने वाले कि भाई आपके खाने में ये कमी है या फिर क्वान्टिटी कम है। तो कोई नहीं, चलते हैं अभी CNG डलवाते हैं, फिर एयरपोर्ट चलते हैं, एयरपोर्ट से बुकिंग उठाएंगे। तो अभी हूँ मैं अंधेरी में, ये अंधेरी ब्रिज के पास। दोस्तों मैं अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पार्किंग में आया हूँ, जो कि जो जितने लोग आते हैं जब टैक्सी या ओला बुक करते हैं तो वहाँ पे उनको आना पड़ता है, तो वहीं पे हूँ मैं, दिखाता हूँ आप सभी को। ये ओला और उबर का पिकअप पॉइंट है, यहाँ पे कस्टमर को हमें पिकअप करने आना पड़ता है। तो अभी कस्टमर का हम इंतज़ार करेंगे, बुकिंग आएगी फिर वेट करेंगे, तब यहाँ से पिक करके इस तरफ निकल के बाहर जाएंगे। दोस्तों अभी 10:30 बजा हुआ है और मेरी तबीयत सही नहीं है, जैसे कि मुझे सर्दी हो गई थी 2 दिन पहले, और तभी से अभी तक भी सर्दी है। सर्दी के टाइम पे हमेशा मैं क्या करता हूँ कि टैबलेट नहीं लेता हूँ। टैबलेट लेने से ये हो जाता है कि फिर नाक गला सब जाम हो जाता है, इसलिए मैं टैबलेट नहीं लेता हूँ। तो अभी घर जा रहे हैं और घर पहुँच के मिलते हैं। दोस्तों मैं आ गया हूँ घर,
और साथ ही साथ मैंने दूध भी ले लिया था क्योंकि सुबह सुबह लाना पड़ता है ना। और ये देखिए दूधी और दाल की मतलब है, दूधी और दाल मिक्स है और चावल है और चपाती भी साथ ही साथ है। सिमी अफान तरु सब सो गए हैं तो अभी बस खाना खाते हैं दोस्तों, और मिलते हैं आप सभी को न्यू ब्लॉग में। दोस्तों अगर चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन, और दुआ में याद रखिएगा दोस्तों। बाय बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।